जब से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के चरण की शुरुआत हुई है तब से कई राजनेताओं के साथ साथ जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज ले रही है। इसी कड़ी में सितारों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाया है। अभिनेत्री मानवी मिश्रा, हर्षा खंडेपकर और प्रीति चौधरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। विले पार्ले के वार्ड नंबर 70 में लगवाया दूसरा वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के बाद माननीय मिश्रा ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की। वहीं कोविड की शुरुआत से ही अपने वार्ड के जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में साथ दिखने वाली बीजेपी नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता आज भी कोविड वैक्सीन की मुहिम में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रही हैं। सुनीता मेहता और उनके पति राजेश मेहता साथ मिलकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए हर संभव कार्य करते नजर आते हैं। सुनीता मेहता के वार्ड में टीकाकरण केंद्र में वार्ड 70 की जनता ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग यहां वैक्सीन डोज लेने पहुंचते हैं। वहीं शनिवार को वैक्सीन लगवाने पहुंची अभिनेत्री माननीय मिश्रा, हर्षा खंडेपकर और प्रीति चौधरी ने दूसरी डोज लगाई और अपने फैंस से अपील की कि सभी वैक्सीन लगवाएं और मास्क लगा कर रखें। वहीं बीजेपी नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता के कार्य की सराहना करते हुए सुनीता मेहता पर अपने कार्य को बखूबी निभाती हैं यह कहती हुई नजर आई। और क्या कुछ कहना था देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, द प्रोसेस वाज वेरी क्विक। हम आए और हमको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा और इमीडिएटली ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर से सब कुछ हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरा सेकंड डोज था और आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड एंड आई अर्ज एवरीवन टू गेट फुल्ली वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। मैं सब मेरी फैंस को ये बताना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट डोज तो काफ़ी लोगों ने लिया होगा, लेकिन अगर नहीं लिया है तो फर्स्ट डोज भी ले लीजिए और सेकंड डोज भी ले लीजिए। एंड आई अर्ज यू गाइस टू गेट फुल्ली वैक्सीनेटेड बिकॉज अभी थर्ड वेव आने ही वाली है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली एंड प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। हाय, दिस इज प्रीति चौधरी। आज मैं यहां पे वार्ड नंबर 70 में, आपने वैक्सीनेशन किया, कैसा फील हुआ? लगा के दर्द बिल्कुल फील नहीं हुआ और आई थिंक मैंने बेस्ट काम यही किया है कि मैंने अपना दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है, तो आप लोग भी जल्दी से जाके अपना वैक्सीनेशन लें एंड स्टे सेफ। मास्क जरूर पहने, मुझे माइक बोलना है इसलिए मैंने मास्क उतारा है, मास्क उतारना नहीं है। फर्स्ट डोज में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, आज इतना स्मूथली और इतना जल्दी हो गया है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। आई एम लाइक सुपर हैप्पी कि विद इन 10 मिनट्स इट्स डन ऑल्सो यार। आई एम रियली हैप्पी एंड इट्स सच अ बिग थिंग। प्लीज़ आप भी सबसे पहले जाके ये काम ज़रूर कराइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपको नहीं हो सकता है। कुछ केसेस आए हैं कि उनको भी कोरोना हो रहा है, प्लीज़ बी सेफ, मास्क पहने और सैनिटाइजर अभी भी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट। देखिए मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि कोरोना ने हम सबको चीज़ों की अहमियत समझा दी है, वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है वो सबको समझनी चाहिए। मास्क लगाएं प्लीज़। इस वक्त मेरा मास्क नीचे उतर गया, मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो मास्क, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सबको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, जितने कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, मैं इनके सामने सर झुका के इनका अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ इनका, कि अगर ये ना होते तो शायद ये डिज़ीज़ जितनी कंट्रोल में है उतनी नहीं होती। सो फर्स्ट डोज मेरा मई में था और अब सेकेंड डोज हो रहा है मेरा। मैं आउटडोर शूट पे थी इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि जब तक ऐसे लोग होंगे, हेमल भाई जैसे लोग, हमारे कॉपरेटर जैसे लोग होंगे, आई थिंक वील ऑल बी प्रोटेक्टेड। सो मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन समय पर करवाएं, प्लीज़ मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें। और कोरोना अभी गया नहीं है इसलिए इससे थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को क्या बताना चाहिए? वैक्सीनेशन के बारे में ये जो अफवाहें होती हैं उन्हें प्लीज़ ना सुने, डॉक्टर्स की सलाह पर अपनी वैक्सीनेशन समय पर ले। देखिए डॉक्टर्स जो इतनी पढ़ाई करते हैं वो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो देंगे नहीं जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, तो जो एक्सपर्ट है
उसकी राय को बहुत सीरियसली। मूवी सुपर हिट होना एक टीम की जीत होती है, मूवी में कोई एक इंसान नहीं होता, इट्स अ टीम एफर्ट। वैसे ही कोरोना से जीतना इज अ टीम एफर्ट। देखिए ये हमने 5 मई से चालू किया है सेंटर, और यहाँ पर हम लोग अपने अपने वार्ड के सारे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो पिछले 4 महीने से हमारी ये सेवा कार्य चालू है, और अभी तक हमने 5,000 लोगों को वैक्सीनेट दे दिया है। अभी हमने एक स्पेशल ड्राइव लिया हुआ है, तो उसमें हम लोग सेकेंड डोज दे रहे हैं, और जो कम्प्लीट हुआ है उसको हम लोग दे रहे हैं। तो आज 1,000 लोगों को हम लोग ने देने का किया है। ज़रूरी है हम लोग को लगाना, कोरोना इतनी गंदी बीमारी है कि वो छूने से दे और हवा में है तो वो कहीं से भी आ सकती है। तो ये वैक्सीन एक चीज़ है जो हमको प्रोटेक्ट कर सकती है। कोरोना होने से पूरा फैमिली का हमारा जो भी सेविंग्स है वो भी निकल जाता है, हर किसी को पूरे फैमिली मेम्बर्स को हो जाता है, तो यानी और फैमिली का हमारा लाइफ का भी थ्रेट होता है इसमें। तो वैक्सीन एक वो उपचार है जिससे हम लोग अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा ये हर किसी से विनती है कि हर किसी को वैक्सीन लेना चाहिए, और उसी के लिए जैसे हमारा वार्ड में करीब 70-80,000 लोग हैं, जो हमारे वोटर भी है और जो अभी छोटे बच्चे भी हैं और बड़े सीनियर सिटीजन भी हैं। तो हम लोग हर किसी को बोलते हैं कि वैक्सीन तो लेना ही है। हमारे कार्यकर्ता लोग, एक हमारी 50 लोगों की डेडिकेटेड टीम है जो हर किसी को हर स्लम में जाके हर सोसाइटी में जाके डेटा कलेक्ट करती है, और उनको बोलते हैं कि आपका अगर मैच्योरिटी हो रहा है 84 डेज हो रहा है तो आपको लेना है, तो वो डेटा के हिसाब से हम लोग सब लोग को बुला के कराते हैं। अभी तो देखिए काफ़ी अभी तो मुंबई में बाकी है वैक्सीनेशन, तो हमारा ये है कि ये दिसंबर तक तो वो चलना चाहिए। अभी तो हम लोग 18+ वाले को कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों का भी चालू होगा, तो उसके लिए भी हम लोग ये सेंटर ओपन रखेंगे और बच्चों को भी। जैसे गवर्नमेंट तो हम लोग को यानी 100, 200, 500 तक देती है, लेकिन आज हमने 1,000 का कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।